नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड में कैबिनेट की बैठक आज, सीएम धामी की अध्यक्षता में। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, कृषि, उद्यान, राजस्व, पर्यटन, स्वास्थ्य से जुड़े प्रस्ताव पर होगी चर्चा। नई खेल नीति पर लग सकती है मुहर। अल्मोड़ा के श्यालदे में शहीद सम्मान कार्यक्रम का आयोजन। 12 शहीद और उनके परिजनों को किया गया सम्मानित। भाजपा विधायक महेश जीना ने शौर्य सम्मान पत्र किए प्रदान। पूर्व सीएम हरीश रावत का रुड़की दौरा। सिविल लाइन में कांग्रेस कैंप कार्यालय का किया उद्घाटन, तो बीटीगंज धर्मशाला में व्यापारियों से की मुलाकात। रावत ने व्यापारियों को दिया आश्वासन। हरिद्वार में साधु संतों का लगा जमावड़ा। मठ मंदिर अधिग्रहण और देवस्थानम बोर्ड को रद्द किए जाने की मांग तेज। केंद्र सरकार से देवस्थानम बोर्ड को भी भंग करने की रखी मांग। रुद्रपुर में मासूम बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म करने का मामला आया सामने। पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक आज राज्य सचिवालय में होगी। आपको बता दें, बैठक में राज्य की नई खेल नीति के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, कृषि, उद्यान, राजस्व, पर्यटन, स्वास्थ्य से जुड़े प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। कल एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खेल नीति का प्रस्ताव कैबिनेट में लाए जाने के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के खिलाड़ियों के लिए खेल नीति में कई नए प्रावधान कर रही है, इससे राज्य के खेल और खिलाड़ियों दोनों को फायदा होगा। बैठक में राशन डीलरों का अंशदान बढ़ाने, सरकारी क्षेत्र के उद्यानों को लीज पर देने व विभागीय सेवा नियमवालियों के प्रस्ताव आ सकते हैं। गौरतलब है कि इससे पहले मंत्रिमंडल की बैठक 11 नवंबर को होनी थी, लेकिन मुख्यमंत्री और मंत्रियों की कार्यक्रमों में व्यस्तता के कारण बैठक स्थगित कर दी गई थी। उत्तराखंड धामी कैबिनेट बैठक आज, खेल नीति समेत कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। आपको बता दें, 11 नवंबर को स्थगित हुई थी ये बैठक, उत्तराखंड धामी कैबिनेट की आज बैठक। खेल नीति समेत कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। 11 नवंबर को स्थगित हुई थी ये बैठक, तो उत्तराखंड धामी कैबिनेट की आज बैठक। आपको बता दें, खेल नीति समेत कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। 11 नवंबर को ये बैठक स्थगित हुई थी, उत्तराखंड धामी कैबिनेट की आज बैठक। खेल नीति समेत कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है, तो धामी की कैबिनेट बैठक आज होनी है उत्तराखंड में, और खेल नीति समेत कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। तो खेल नीति समेत कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। 11 नवंबर को स्थगित हुई थी ये बैठक, उत्तराखंड धामी कैबिनेट की आज बैठक होनी है, खेल नीति समेत कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है।
अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सियालदे में शहीद सम्मान दिवस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सल्ट सियालदे के 12 शहीद और उनके परिजनों को सम्मानित किया गया। भाजपा विधायक महेश जीना ने शौर्य सम्मान पत्र प्रदान किए। वहीं जम्मू कश्मीर ऑपरेशन रक्षक में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हवलदार रघुनाथ सिंह डंगवाल की पत्नी कमला देवी को सम्मानित किया और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही शहीदों के घर से लाए गए मिट्टी को देहरादून के लिए भेजा गया। मुख्यमंत्री और पीएम मोदी के एक आह्वान पर जो सैनिक सम्मान दिवस जो उन्होंने बनाया है, जिसके अंतर्गत सभी शहीदों के आंगन से मिट्टी ली गई थी और अब उन्हें कार्यक्रम के अंत में ये एक सम्मान दिया जा रहा है, जिसमें सम्मान हमारे पिताजी रघुनाथ सिंह डंगवाल जो कि पाकिस्तान में जेएनके के अंदर पाकिस्तान के आतंकवादियों से लोहा लेते हुए 1997 में शहीद हो गए थे, आज उन्हें भी यह सम्मान। कोटद्वार में कांग्रेस ने महाराजा वेडिंग पॉइंट नजीबाबाद रोड से मालवीय विद्यान तक पदयात्रा निकाली। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी और महापौर श्रीमती हेमलता नेगी भी मौजूद रही। इस दौरान हरीश रावत ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार ने आम आदमी का जीवन असंभव कर दिया है, महंगाई चरम पर है, लोगों के लिए गृहस्थी को चलाना असंभव हो गया है, कुशासन के खिलाफ यह पदयात्रा निकाली है और यह क्रम गढ़वाल और कुमाऊं तक निरंतर चलता रहेगा। इस सरकार ने आम आदमी का जीवन असंभव कर दिया है, महंगाई चरम पर है, गैस के दाम, दालों के दाम, खाने के तेल के दाम, सब्जियों के दाम, कोई दाम ऐसे नहीं है जो बेलगाम नहीं हो गए हैं। व्यक्ति के लिए, महिला के लिए अपनी गृहस्थी चलाना असंभव हो गया है, बेरोजगारी चरम पर है, कोई घर ऐसा नहीं है जो बेरोजगारी के अभिशाप से संतप्त नहीं है, भ्रष्टाचार निरंतर बढ़ रहा है और विकास ठप पड़ा हुआ है, कोटद्वार का विकास भी ठप हो गया है। रुड़की में पूर्व सीएम हरीश रावत ने सिविल लाइन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन गुप्ता के कैंप कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस कैंप कार्यालय से यहां के लोगों की हर समस्या का समाधान करने के लिए सचिन गुप्ता हर समय तैयार रहेंगे। उसके बाद उनके बेटे वीरेंद्र रावत ने कहा कि हरिद्वार की 11 सीटों में से 8 सीट कांग्रेस जीतेगी और प्रदेश में 60 पार सीट जीतकर 2022 में सरकार बनाएगी। श्री हरीश रावत जी का रखा गया था, जिसमें उन्होंने व्यापारियों से उनकी समस्याओं को जाना, उनकी समस्याओं को बहुत गंभीरता से लिया और वादा किया उन्होंने और कहा कि 2022 चुनाव में कांग्रेस आ रही है और कांग्रेस से चीफ मिनिस्टरशिप में श्री हरीश रावत जी बनने जा रहे हैं और उसके बाद इन सारी समस्याओं का समाधान उनका पूरी जड़ के साथ किया जाएगा। उद्योग मित्र मिलन समारोह हमारे भाई सचिन गुप्ता जी ने यहाँ बीटीगंज में रखा था, उसमें हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने उसकी नेतृत्व किया, उसमें आके उन्होंने हमारे उद्योगपतियों की समस्या को सुना और वहाँ सभी छोटे बड़े सभी उद्योगपति वहाँ मौजूद रहे, उन्होंने अपनी बात, अपनी समस्याएं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के आगे रखी और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने उन्हें आश्वस्त किया है कि 2022 में हमारी सरकार आएगी तो हम निश्चित तौर पर जो उनकी समस्याएं हैं उनका निदान करने का काम करेंगे। रुड़की के बीटीगंज धर्मशाला में पहुंचे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने व्यापारियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना। आपको बता दें, इस दौरान शहर के व्यापारियों ने अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। इस मौके पर हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस व्यापारियों की समस्याओं को लेकर बेहद गंभीर है, भाजपा सरकार ने इस देश और प्रदेश के विकास को पूरी तरह ठप कर दिया है, उनकी सरकार आने पर सबसे पहले प्रदेश के व्यापारियों की समस्याओं को दूर किया जाएगा। बेरोजगारी, कुशासन व्यवस्था, भ्रष्टाचार और एक सरकार की एक बारे जो विफलताएँ हैं उन विफलताओं को विशेष तौर पर विकास बिल्कुल अवरुद्ध हो गया राज्य का, उन विषयों को लेकर के पद।
गदरपुर में तराई किसान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सलविंदर सिंह कालसी के नेतृत्व में दर्जनों सिख समाज के लोग गुरुद्वारा सिंह सभा में एकत्रित हुए और कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष विक्रम गोराया ने कहा कि कैबिनेट मंत्री का कृषि बिल को समर्थन था, लेकिन अब भाजपा कार्यकर्ता उनका गुणगान कर रही है, जो कि पूरी तरह गलत है। जिन लोगों ने उसका सम्मान किया है वो अरविंद पांडे की पार्टी के कार्यकर्ता हैं। किसान मोर्चा जो है इनका, बीजेपी का किसान मोर्चा, उसमें ये लोग कार्यकर्ता हैं और हमारा उससे सिख समाज से कोई लेना देना नहीं है। किसी सिख समाज के किसी व्यक्ति ने, किसी भी हमारे गुरुओं ने इनका कोई सम्मान नहीं किया है। ये अपनी ही पार्टी के लोगों को बुलाकर अपना सम्मान करवा रहे हैं। क्या आप सोच सकते हैं जिन किसानों के घरों के दिए बुझ गए हों, 700 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए हों, क्या वो सम्मान करेंगे? बताइए आप मुझे। कृषि कानून रद्द किए जाने के बाद हरिद्वार में अब मठ मंदिर अधिग्रहण और देवस्थानम बोर्ड को रद्द किए जाने की मांग अब और जोर पकड़ने लगी है। इन सब मुद्दों को लेकर साधु संतों ने केंद्र सरकार से देश के सभी धर्म को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने की मांग की है। साथ ही साथ उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग की है, जिसके लिए संतों ने सरकार को एक माह का समय भी दिया है। एक दिन पहले दिल्ली में हुई संतों की बड़ी बैठक हुई थी, जिसे लेकर अखाड़ा परिषद अध्यक्ष और महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव रविंद्र पुरी ने कहा कि देश में अंग्रेजों के समय बने मठ मंदिर अधिग्रहण के कानूनों को रद्द किया जाए और मंदिरों के संचालन की समस्त जिम्मेदारियां वहां के स्थानीय संतों ब्राह्मणों को दी जाए। परिषद ने पहले भी इस प्रकार के जो अधिग्रहण है उसका विरोध किया है और कल दिल्ली में एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सभी समुदाय के संतों को आमंत्रित किया गया था और लगभग सभी अखाड़ों के महात्मा थे वहाँ और नाथ संप्रदाय के भी संत थे। तो हम सब लोगों ने सामूहिक रूप से सरकार से ये मांग की है, जनता की सहमति से, कि जो भारत के विभिन्न राज्यों में कानून अंग्रेजों के समय के बने हुए हैं मंदिर मठ अधिग्रहण के, उनको तत्काल निरस्त किया जाए। संबंधित संप्रदाय के जो संत हैं या जो ब्राह्मणों की समितियाँ हैं या जो लोकल समिति हैं, उनको उसकी व्यवस्था सौंपी जाए, क्योंकि वहाँ जो धन आ रहा है उसका दुरुपयोग हो रहा है और इसका समय हम लोग एक महीने का दिए हैं, 25 दिसंबर तक राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी के नाम हम लोग ज्ञापन देंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने कमर कस ली है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से तैयारी की गई टीम द्वारा अल्मोड़ा मुख्य बाजार में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों को मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाने, निर्भीक होकर अपने मत का इस्तेमाल करने को लेकर जागरूक भी किया गया। अभी अब क्योंकि अब विधानसभा चुनाव नज़दीक आने वाले हैं, तो उससे पहले राज्य निर्वाचन आयोग देहरादून द्वारा जो है मतदाता जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं और जिले स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी और जिलाधिकारी मारे महोदया हैं, उनके माध्यम से विभिन्न माध्यमों से जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। जो यहाँ पर अभी नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जा रहा है, ये राज्य निर्वाचन आयोग देहरादून द्वारा बैन भेजी गई है पूरे कुमाऊं मंडल में, तो इनके द्वारा जगह जगह पर जहाँ जहाँ पे महिला मतदाताओं की संख्या कम हुई है, जिनका रजिस्ट्रेशन कम हुआ है, तो वहाँ पे मतदाताओं को जिनको 18 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और जिन्होंने अभी तक अपना मतदाता रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो उनको जागरूक करने के लिए, मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। लालकुआ कोतवाली क्षेत्र के बंजरी कंपनी कॉलोनी में रहने वाले महेंद्रपाल की 19 वर्षीय बेटी की मौत को 4 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन पुलिस अभी तक मामला दर्ज नहीं कर रही है। जबकि मृतका के पिता ने पड़ोस में रहने वाले युवक और उसके परिवार पर हत्या का आरोप लगाया है, लेकिन पुलिस की तरफ से अभी तक मामले में कोई ठोस कार्रवाई न होने से शहर में चर्चा का विषय है। इधर कोतवाल संजय कुमार ने कहा कि मामले की तहरीर उन्हें मिल चुकी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। एक सूचना मिली थी कल कि एक महिला द्वारा महिला की डेथ हो गई है सुशीला तिवारी अस्पताल में, उसका पंचनामा भरा गया है, तो पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद जो पोस्टमार्टम में जो तथ्य आएंगे सामने
उनके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। परिजन जो आरोप लगाएंगे उनके या जो तहरीर देंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। रुद्रपुर कोतवाली के अंतर्गत एक युवक ने मासूम बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने संबंधित धाराओं समेत पॉस्को एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि परिजनों ने पुलिस को शिकायत दी, जिसमें बताया कि उसकी 7 वर्षीय पुत्री घर के बाहर अपनी दादी के साथ खेल रही थी कि इसी बीच वहां एक युवक उसकी नाबालिग पुत्री को अगवा कर अपने साथ ले गया, लेकिन रात 8 बजे करीब मासूम बच्ची रोते हुए घर के पास पहुंची और उसने बताया कि उसकी पिटाई कर दुष्कर्म किया गया, जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। रुद्रपुर कोतवाली के क्षेत्र अंतर्गत रामपुरा क्षेत्र का मामला है। इसमें कल एक रामपुरा चौकी की सूचना आई थी, एक छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म की सूचना आई थी, तो उसमें तत्काल पुलिस गई थी और इसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और रात में ही अभियुक्त को गिरफ्तार करके आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ऋषिकेश में श्रद्धालुओं को एक बार फिर साईं बाबा के भव्य दर्शन उनके नए मंदिर में होंगे। इस संबंध में श्री शिरणी साई धाम और श्री साई बाबा सेवा समिति के अध्यक्ष अशोक थापा सहित अन्य पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता की, जिसमें कहा गया कि परशुराम चौक के पास साई मंदिर का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। 26 और 27 नवंबर को मंदिर में 2 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी रखा गया है, जिसमें साई बाबा की भव्य पालकी नगर में निकाली जाएगी। इस धार्मिक अनुष्ठान के बाद मंदिर सार्वजनिक दर्शनों के लिए खोल दिए जाएंगे। बाबा की हम पालकी लेके जाएंगे त्रिवेणी घाट और वहाँ से जल भर के लाके गणेश पूजन के साथ बाबा की यहाँ पर पूजा प्रारंभ होगी। बाबा का बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है। बाबा की पालकी आएगी यहाँ, बाबा पालकी में बैठ के आएंगे और 27 तारीख को हमारे बीच में 9 बजे सबसे पहले हम बाबा का क्या करेंगे, मंगल स्नान करेंगे। उसके बाद पूर्णाहुति होगी 11:30 बजे और 12 बजे बाबा की मध्याह्न आरती के साथ ही हम इस मंदिर को जनता के लिए सार्वजनिक। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।